अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीबी सुनो टीवी से मैं हूँ बाप खान। आज हम मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन साहब के पास। आज जैसा कि आपने देखा नाज़रीन कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अब आपकी राय, आइए इनसे मिलते हैं और इनकी भी राय जानते हैं। जैसा सर, मौजूदा वक्त में जो टैक्सीज हैं, इनसे मुल्क की मईशत पर क्या असर पहुँचा? मईशत तो ये हमारा जो काम है, हम तो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट करते हैं जी। हमें बाकायदा डीटीआरई मिलती है कस्टम से, हम कस्टम नहीं देते। और दूसरा ये रियायत है एक्सपोर्ट के लिए हुकूमत पाकिस्तान। दूसरा ये कि कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा, जो मईशत पे लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ा है, ये पड़ा है वो। आज ये अभी तो 8-9 महीने हमारी हुकूमत को हुई, हम भी तरीके इंसाफ में, तो ये लोग खाम बखा की बात कर बतेंगर बनाते हैं। और दूसरा ये कि जो मईशत के लिए पैसा आया था वो कहाँ गया बाहर से, वो तो बारी का बार चला गया ना, तो आज वो बेचारे रोल रहे हैं और उसमें क्या नाम है, जेल में हैं। अफसोस तो ये होता है कि मियां साहब को 3 हुकूमतें मिली लेकिन एक हुकूमत भी कामयाब उसकी नहीं हुई। हर हुकूमत में उसको कोई ना कोई मसला होता है और वो उतर जाता है, तो ये हमारा काम तो नहीं है ना, ये तरीके साहब का काम तो नहीं है। वो तो 17 साल से 20 साल से इमरान खान साहब लगे हुए थे, हम साथ में थे, और ये लोग हम सिर्फ जिंदाबाद ही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी नई हुकूमत आई है, इसमें मैं आपको ये इतना बता दूं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए आवाम को। अब टमाटर है, टमाटर तो इमरान खान नहीं बेचता ना, प्याज तो सब्जी प्याज और ये वगैरह तो इमरान खान नहीं बेचता, गोश्त इमरान खान नहीं बेचता ना, हर चीज़ पे इमरान खान जाएगा और चापे मारेगा। उनके लिए वज़रा हैं, उनके गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, उनके प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो जाएंगे और वो चापे मारे मार्केट में कि जो महंगा देता है उससे वो बात करें। ये तो ज़रूरी तो नहीं है ना, ये एक मुल्क का सरबराह हो और वो हर चीज़ का नाप तोल करे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइंदा के लिए आप मियाँ साहब को तो कितनी दफा बताया कि उसमें आओ, क्या नाम है, कुमे असेंबली में आओ, वो तो उसमें भी नहीं आते थे। तो हम आज हमसे पूछते हैं कि जी टमाटर महंगा हो गया, इमरान खान की हुकूमत 8 महीने में इतने क्या किया। रोज टीवी पे मुनाजरे होते हैं नून लीग के और पीपल पार्टी के, ये चोरों का एक टोरा बना हुआ था, आप लोगों के लिए भी खून चूस रहा था, आपका भी हमारा भी खून चूस रहा था। लोड शेडिंग की सूरत हाल किस हद तक है? यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट में तो बिल्कुल नहीं है, 24 घंटे बिजली है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट है और पूरे कारखाने चल रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, 24 घंटे बिजली रहती है। बाकी शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी 24 घंटे बिजली है। सर ये बताइएगा, हमारे मुल्क के सरमायाकार अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क में सरमायाकारी को क्यों तरजीह देते हैं? ये उनकी बेवकूफ़ी है, मेरी इतनी तालीम तो नहीं है लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ है, क्योंकि मैं 60 साल से, मेरी उम्र 75 साल है, अब मैं 60 साल से या 55 साल से ये काम कर रहा हूँ मादनियात का, और आज इस कंपनी के साथ हम टच है, हमारी अपनी भी थोड़ी छोटी मशीन लगी है फैक्ट्री, मतलब एक उसमें भी हम ग्राइंडिंग करते हैं। लेकिन मतलब ये कि ये काम जो है ना, ये जो वावेला मचा रहे हैं और ये जो कहते हैं कि आपको क्या सवाल था कि बैरूनी मुल्क सरमायाकार हमारा मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क में सरमायाकारी को क्यों तरजीह देते हैं? एक बात मैं बताऊं, जो आदमी यहाँ पैदा होता है वो उसको चाहिए कि वो यहाँ ही सरमायाकारी रहे। आज मैं यहाँ पर उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड ना की जाए। देखो मैं आपको बताऊं, बेटी एक बात है, आप बेटी की तरह में बात ये है, मैं आपको बताऊं कि आज मैं सरमाए यहाँ लगाता हूँ, मैं तो 60 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ ने अगवा नहीं किया, तो ये इनको क्यों डर है, किस चीज़ का डर है? ये सरमाया यहाँ लगाएंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर ये सरमाया यहाँ नहीं लगाएंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये कहते हैं कि अब सरमायाकारी नहीं करते हैं, इस मुल्क में क्या है, डाकू राज है, इस मुल्क में क्या है, फौज नहीं है। आज हम कबेली इलाके के बिल्कुल बॉर्डर में रहते हैं, ये बॉर्डर है आपको भी पता है, और ये बॉर्डर में रहते हैं क्या कबेली इलाके हमारे, हमको कहा जाते हैं
हम जाते हैं, माल आता है हमारा, ये बिल्कुल झूठ है। सब ये सियासतदान जितने भी हैं ये झूठ बोलते हैं, ये इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, फौज के पीछे लगे हुए हैं, कोर्ट के पीछे लगे हुए हैं। आज हमारा कोर्ट जो है इनकी वजह से कोई फैसला नहीं कर सकता, इनकी वजह से हकीकत में ये फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कि उनको भी डर लगता है कि क्या है। एक वकील इस तरीके से बात करते हैं, दूसरा वकील, मैं खुद गांव के रहने वाला हूं, मैं जमींदार हूं, मैंने बड़ों ने मेरे बाप दादा ने मुकदमे लड़े हैं जमीन के, मैंने खुद जमीन के तकरीबन 3-4 मुकदमे लड़े हैं, और 14-14 साल 15-15 साल मैंने मुकदमे लड़े हैं, 10 साल मैंने मुकदमे लड़े हैं, मुझे पता है कोर्टों का। कि एक वकील एक बात करता है तो दूसरा वकील दूसरी बात करते हैं। बाकी सरमाकारी की जो बात है ना आपकी, बेटी ये बात बिल्कुल सही है आपकी, सरमाकारी सुनने वाली बात है कि ये सरमाकारी नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं। सरमाकार आएंगे यहाँ, सरमाकारी करेंगे, हमारे अपने सरमाकार तो सरमाकारी करेंगे ना। अब आप देखें कि नवाज शरीफ का करोड़ों अरबों रुपए बाहर पड़ा है, स्टील मिल उनका दुबई में भी है, स्टील मिल उनका उसमें भी है, जदा में भी है, और अभी लंदन में कितने महीने के बंगले हैं। तो क्या हुआ, कुछ हुआ? इनको मरना है तो मर जाए, लेकिन ये पैसा नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? किसको? मौजूदा हुकूमत को, नए पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान को। इमरान खान को मेरी ये पैगाम है कि सब्र से काम लें, हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं, और साथ सब्र से काम लें, ताकि इमरान खान जैसा आदमी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। देखो तीन बातें मैं बताऊं इमरान खान की। एक तो वो इंग्लैंड के वाइस चांसलर है, वो यूनिवर्सिटी के, वो आपको ही पता होगा, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी बनाई है उनके भी वाइस चांसलर है। एक इस इंसान में खूबी होती है तो चांसलर बनता है ना, अगर इंसान में खूबी ना हो तो रोटी पकाने के काबिल भी नहीं होता, उसको कोई शादी के लिए लड़की भी नहीं देता। तो इमरान खान के पीछे तो लोग मरते हैं, आप तो इस बार ये बात करते हैं, इमरान खान के पीछे तो लोग मरते हैं, पूरा भारत इमरान खान का फेवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक सेकंड मैं आपको बताऊं कि उनके पास जो पासपोर्ट है इमरान खान के पास, तो पूरी दुनिया में 12 लोग हैं जिनके पास वो पासपोर्ट है कि वो हर मुल्क में जा सकता है, ये इमरान खान की खूबी है। लेकिन क्या करें कि हमारे जो बात का बतेंगे बना देते हैं उनके पीछे जी इमरान खान ने। अच्छा एक सेकंड, आप ये जो DRDA की क्या मुसीबत बन रही है, इन्होंने बोला मैं बना रहा हूं, बन रहा है। अब कल TV पे आया था कि इसमें पानी है जी, हमारा कारोबार नहीं चलता। पानी हमने छोड़ा है, पानी हुकूमत ने छोड़ा है, इमरान खान ने नलका लगाया था पानी छोड़ने का, या वजीर आला ने छोड़ा था। ये देखो आसमानी बारिश थी, अल्लाह ताला को अगर पूछना है तो अल्लाह ताला से सवाल करो, ये बारिश क्यों आई है, और हमारे नाले भर गए, दुकानें बंद हो गई, हमारा कारोबार बंद हो गया। तुम्हारा कारोबार भाई 2 महीने के लिए बंद हो जाएगा, 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा, फिर कारोबार चालू हो जाएगा, ये वाह खुशी। तो बेटी मेरा तो ये सवाल है कि इमरान खान जी इंशाल्लाह पाकिस्तान को काबू कर लेगा, बनाएगा इंडस्ट्रियल वो जोन बनाएंगे, बना रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा इनके दौर में। बाकी अपनी नीयत की बात है, अगर किसी का नीयत खराब है तो उसमें इमरान खान का क्या कसूर है, आज वो अपनी नीयत क्लोज कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाचीन आपने देखा कि ZM के ये नुमाइंदे थे जियाउद्दीन साहब, जो कि अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ कैमरामैन टीम के साथ मैं और बाप खान BBC Urdu TV.in के शुक्रिया।